हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर वन एंड ऑल्सो फ्रॉम पेपर टू पर्सपेक्टिव दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जाम कि ये जो टर्मिनोलॉजी है किसके द्वारा कॉइन की गई है और किस ईयर में इसको कॉइन किया गया है। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स को मेंशन किया है विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहली टर्म जो है हमारी, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सबसे पहली टर्म हमारी आती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट टर्म का वो पूछ लेते हैं कि किसने कॉइन किया है, ये हार्डली पूछते हैं, बट वो किस लैंग्वेज से लिया गया है ये जनरली पूछ लिया जाता है। तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है इट इज़ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रीक से नहीं, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ग्रीक से वो इकोसिस्टम वाला था, इकोलॉजी वाला था ग्रीक से। तो इन्वायरमेंट इज़ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज का जो वर्ड है इन्वायरन से इसको डिराइव किया गया। इन्वायरन का मतलब होता है सराउंडेड, मेंट का मतलब होता है फ्रॉम ऑल अराउंड, ठीक है। तो 1828 में ये टर्म दी गई थी गोथ कार्लाइल ने या जी कार्लाइल ने। तो मतलब इन्वायरमेंट जो शब्द है ना वो आया तो फ्रेंच लैंग्वेज से है, फ्रेंच लैंग्वेज के इन्वायरन वर्ड से ये शब्द लिया गया है, लेकिन ये इन्वायरमेंट जो टर्म है ये टर्म दी गई थी गोथ कार्लाइल ने 1828 में। देन वी हैव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज कॉइंड बाई ऑर्थर जोर्ज टेंसले इन 1935 या ए जी टेंसले ने इसको दिया था, क्योंकि कहीं कहीं भी इसको ए जी टेंसले मेंशन कर देते हैं वहाँ पे, तो ऑर्थर जोर्ज टेंसले उनका पूरा नाम है। ओके, अब इकोलॉजी इज कॉइंड बाई अर्नेस्ट हैकल इन 1868। ध्यान से समझेंगे इसको बिकॉज इकोसिस्टम और इकोलॉजी में बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इकोलॉजी किसने की थी, इकोसिस्टम किसने किया था, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन में ऑर्थर जोस टेंसले और अर्नेस्ट हैकल दोनों मेंशन किया गया होता है, तो पीपल गॉट कन्फ्यूज कि इसमें क्या होगा। सो आई वुड सजेस्ट, जो मैंने ट्राई किया था, मैं एक लर्न कर लिया था, जैसे कि मैंने इकोसिस्टम का लर्न किया और इकोलॉजी का मैंने ऐसे रफ रफ आइडिया लगा दिया, तो फिर मैं उसको एलिमिनेशन मेथड से कर देती थी कि अच्छा इकोसिस्टम का पूछा है तो ए जी टेंसले होगा, और अगर इकोलॉजी का पूछा है तो ए जी टेंसले तो नहीं होगा, तो इस टाइप से अर्नेस्ट हैकल होगा। तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन और तब आप कर सकते हैं। देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज कॉइंड बाई वॉल्टर जी रोजन इन 1986। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझेंगे बिकॉज बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, टर्म दी थी वॉल्टर जी रोजन ने, लेकिन फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है एडवर्ड विल्सन को। सो ऑप्शन में आपको वॉल्टर जी रोजन और एडवर्ड विल्सन दोनों मेंशन मिल सकते हैं, बट आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि वहाँ पे फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछा गया है या हु कॉइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टर्म है इट इज़ कॉइंड बाई नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर ने इसको कॉइन किया था बायोडाइवर्सिटी टर्म को 1988 में या 1999 में, बिकॉज कुछ बुक्स में तो 1988 मेंशन है और कुछ बुक्स में 1990 मेंशन है, कहीं कहीं पे उसको स्लैश करके दिया हुआ है, तो मैंने दोनों मेंशन किए हुए हैं बिकॉज आपको ऑप्शन में दोनों तो नहीं मिलेंगे अगर आपसे ईयर पूछा जाता है, आपको एक मिलेगा प्रोबेबली नहीं, आपको एक ही मिलेगा बिकॉज वो कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बुक में इस तरीके से मेंशन है। तो ये दी थी नॉर्मन मेयर ने, एन मेयर ने, ध्यान से इसको पढ़ना है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आ चुका है कि हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देन वी हैव एसिड रेन। एसिड रेन टर्म गिवन बाई, एसिड रेन इज टर्म गिवन बाई, एसिड रेन टर्म गिवन बाई रॉबर्ट एंगस स्मिथ इन 1852। देन ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन बाई वॉलस स्मिथ ब्रोकर इन 1975। देन वी हैव ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो टर्म है इट इज कॉइंड बाई जोसेफ फोरियन इन 1827। देन वी हैव थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स इज गिवन बाई विलियम थॉम्सन इन 1749। इको टाइप इज गिवन बाई टूरेसन इन 1992। इकोलॉजिकल निश इज गिवन बाई चार्ल्स एल्टन इन 1927। इकोलॉजिकल पिरामिड इज गिवन बाई चार्ल्स एल्टन इन 1927। ध्यान से पढ़ेंगे इसको बिकॉज चार्ल्स एल्टन ने जो है इकोलॉजिकल पिरामिड टर्म कॉइन की थी, और इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ हिज सरनेम एल्टन, तो एल्टोनियन पिरामिड भी हम इसको बोलते हैं। देन वी हैव 10% एनर्जी लॉ जो है इट इज़ गिवन बाई रेमंड लिंडमैन। फॉसिल फ्यूल टर्म इज कॉइंड बाई कैस्पर न्यूमैन। एंथ्रोपोजेनिक टर्म इज गिवन बाई एलेक्जे पावलोव।
टॉक्सिकोलॉजी इज टर्म गिवन बाय मार्थ्यू ऑर्फिला. मार्थ्यू ऑर्फिला ने टॉक्सिकोलॉजी टर्म कॉइन की थी. ऑल्सो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी मार्थ्यू ऑर्फिला को ही कंसिडर किया जाता है. सो टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन लर्न दैम ईजिली और आपके पास ये सेव रहें. टेक अ स्क्रीन शॉट प्लीज़.